नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज का दिन देश को बहुत दुखी और व्यथित करने वाला दिन है और आज देश बहुत क्रोधित है। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया और भारत के 4 बहादुर सैनिक शहीद हो गए। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, ऐसी घटनाएं अब बार बार हो रही हैं और इसीलिए आज हम ये कह रहे हैं कि अब भारत अपने बेटों को श्रद्धांजलि देते देते थक चुका है। भारत की आंखों के आंसू अब सूखने लगे हैं और देश प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा है। अब भारत को श्रद्धांजलि देने और कड़ी निंदा करने का काम पाकिस्तान के हिस्से में ट्रांसफर कर देना चाहिए। अब भारत को आक्रामक जवाब देना होगा ताकि पाकिस्तान लगातार अपने जवानों और आतंकवादियों को श्रद्धांजलि देता रहे। हम ये काम नहीं करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ जो गुस्सा और आक्रोश है वो सिर्फ बातों से शांत नहीं हो सकता। पाकिस्तान के हमले में भारत के जिन 4 सैनिकों की जान गई है उनमें से कैप्टन कपिल कुंडू की उम्र सिर्फ 22 साल थी और राइफलमैन शुभम सिंह सिर्फ 23 साल के थे। ये उम्र का एक ऐसा पड़ाव होता है जिसमें लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन इन युवाओं की सोच देश के लिए जीने और मरने की थी। आज हम इसी सोच को आपके साथ सलाम करेंगे। पाकिस्तान को सबक सिखाओ, अब बदला लेना ही होगा। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना ही होगा। ऐसे बहुत सारे जोशीले भाषण आपने न्यूज चैनलों के डिबेट्स में देखे और सुने होंगे। इन डिबेट्स में लोग अपना दुख प्रकट करते हैं, अपना आक्रोश और गुस्सा दिखाते हैं, प्रतिशोध लेने के दावे करते हैं, कस्में खाते हैं और फिर ये डिबेट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन कभी कोई इस मूल प्रश्न पर विचार नहीं करता कि आखिर पाकिस्तान जैसा एक छोटा सा देश जो हर मुकाबले में हमसे बहुत छोटा है, जिसकी अर्थव्यवस्था नाम मात्र की है, जिसे दुनिया एक फेल्ड स्टेट कहती है, वो पाकिस्तान भारत को बर्बाद करने के मिशन में क्यों जुटा रहता है और उसमें इतना दुस्साहस कहां से आता है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमने पाकिस्तान के मौलवियों और वहां के बुद्धिजीवियों के बयानों को बहुत गौर से सुना है और काफी रिसर्च करने के बाद हमें यह पता चला कि इन सवालों का जवाब पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद है और यह जवाब है गजवाए हिंद। ये पाकिस्तान की एक ऐसी युद्ध नीति है जिसे आज तक किसी न्यूज चैनल, किसी अखबार या किसी विद्वान या बुद्धिजीवी ने या एक्सपर्ट ने आपके सामने डिकोड नहीं किया होगा और आज हम उस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे जो पिछले 2 हफ्तों से देश की राजनीति में लगातार ट्रेंड कर रहा है और इस मुद्दे का नाम है पकौड़ा पॉलिटिक्स। सुनने में यह शब्द आपको एक मजाक जैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया को फॉलो करते हैं, अखबारों और न्यूज चैनल्स को फॉलो कर रहे हैं या देश की राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आपको पकौड़ा पॉलिटिक्स के बारे में अब तक जरूर पता चल गया होगा, क्योंकि ये वो शब्द है जिसे पूरे विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है और इस शब्द पर पूरे देश में सरकार को घेरने की कोशिश हो रही है। आज बीजेपी के अध्यक्ष अमित शाह ने राज्यसभा में इस पकौड़ा पॉलिटिक्स का भरपूर जबरदस्त जवाब दिया है। इस शब्द को हथियार बनाकर पकौड़े बेचने वालों की तुलना भिखारियों से की गई। कई राजनीतिक पार्टियों को इसमें राजनीतिक माइलेज नजर आ रहा होगा, लेकिन हमें लगता है कि ये भारत में स्वरोजगार करने वाले करोड़ों लोगों के सम्मान पर एक चोट है, क्योंकि जो लोग पकौड़े बेचते हैं या किसी भी तरह का स्वरोजगार करते हैं उनका भी अपना आत्मसम्मान होता है। वो किसी पर आश्रित होकर अपना जीवन नहीं बिता रहे, बल्कि परिश्रम और पुरुषार्थ के जरिए अपना और अपने परिवार का पेट भर रहे हैं। इसमें कोई हीन भावना नहीं है। राजनीति एक गंभीर विषय है, लेकिन विपक्ष ने ऐसे शब्दों का प्रयोग करके, ऐसे मुद्दों को उठाकर इसे बहुत ही हल्का बना दिया है। आज हम इसी का विश्लेषण करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। सेना ने कहा कि वो रविवार को अपने 4 जवानों की शहादत का पाकिस्तान से जल्द बदला लेगी। 4 सैनिकों की शहादत पर उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल शरद चंद ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ सेना की जवाबी कार्रवाई जारी है। That goes without saying, I don't have to say that. So I think action will speak for itself. सरकार ने भी कहा कि सैनिकों की शहादत का बदला जरूर लिया जाएगा। मैं समझता हूँ भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम पर हम समस्त भारतवासियों को पूरा यकीन है। हम किसी हालत में छोड़ेंगे नहीं, हमारे सेना के जवान भी छोड़ेंगे नहीं, ना हमारे सुरक्षा बल के जवान छोड़ेंगे। पाकिस्तान की हरकतों को हम माफ नहीं करने वाले हैं।
पाकिस्तान के मिसाइल हमले में शहीद हुए सेना के कैप्टन कपिल कुंडू का अंतिम संस्कार आज ही होगा। वो गुरुग्राम के रनसिका गांव के रहने वाले थे। फिर लेंगे बदला, छोड़ेंगे तो नहीं, ये तो हमें भी पता है। ये तो पता, उन्होंने 4 मारे हैं तो 24 मार के आएंगे। मैं हमेशा लड़ती थी ऐसी मत लिखा कर तू भाई, तो नहीं दीदी आपको नहीं पता, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं होनी चाहिए दीदी। शहीद कपिल सिर्फ 22 साल के थे और 10 फरवरी को उनका जन्मदिन था। अपने लहू से सींचा है उन परवानों ने, यूं ही नहीं ये वादियां जन्नत कहलाती हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में कल हवलदार रोशनलाल, राइफलमैन शुभम सिंह और राइफलमैन राम अवतार भी पाकिस्तान की गोलीबारी में शहीद हुए थे। मैं बस ये चाहता हूँ कि फिर से सर्जिकल स्ट्राइक हो और एक के बदले 10 सिर लाए जाएं। चीन पाकिस्तान आर्थिक कॉरिडोर यानी CPEC पर पाकिस्तान ने भारत का डर दिखाया है। पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने आशंका जताई है कि CPEC के ठिकानों पर भारत हमला कर सकता है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में छपी खबर के मुताबिक वहां के गृह मंत्रालय ने गिलगित बाल्टिस्तान के गृह विभाग को चेतावनी भेजी है। अखबार के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्रालय ने कहा है कि भारत कराकोरम हाईवे पर CPEC के प्रोजेक्ट्स पर हमला कर सकता है। POK में गैर कानूनी तौर पर बन रहा CPEC चीन के बॉर्डर रोड पाकिस्तान इनिशिएटिव यानी BRI का हिस्सा है, इसलिए भारत BRI का विरोध करता है। BJP अध्यक्ष अमित शाह ने आज राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया और सरकार की खूबियां गिनाई। इस दौरान शाह ने विपक्ष के पकौड़ा पॉलिटिक्स पर भी हमला बोला। सभापति महोदय, पकोड़ा बनाना कोई शर्म की बात नहीं है, इसको भिक्षु के साथ कंपेयर करना शर्म की। बेरोजगार साथ पकोड़ा बना रहा है, उसकी दूसरी पीढ़ी आगे आएगी, देश का बड़ा उद्योगपति बनेगी, कोई चाय वाले का बेटा आज प्रधानमंत्री। अमित शाह ने GST को गब्बर सिंह टैक्स कहने के राहुल के बयान का भी जवाब दिया। GST काउंसिल में एक भाषा, सदन में दूसरी भाषा और आम सभा में तीसरी भाषा, किस प्रकार की राजनीति। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद ने मोदी सरकार पर UPA सरकार की योजनाओं का नाम बदलकर वाहवाही लूटने का आरोप लगाया। जितनी भी योजनाएं 1985 या उसके बाद कांग्रेस शासन में UPA शासन में बनी थी, उनके नाम बदल दिए। कर्नाटक की खराब कानून व्यवस्था पर किए PM के सवाल का आज CM सिद्धारमैया ने जवाब दिया। सिद्धारमैया ने गोधरा का जिक्र करते हुए कहा कि देश में जहां भी BJP सरकार है वहां अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। गोधरा ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತರು, ಅವರೇ ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡೈಡ್, ಎಲ್ಲ ಸುತ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು, 2000 ಜನ ಸತ್ತರು ಹರಿಯಾಣದಲ್ಲಿ. ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ. इससे पहले कल कर्नाटक के बेंगलुरु में PM मोदी ने कर्नाटक में हो रही हत्याओं का जिक्र किया था और कहा था कि कर्नाटक में आसानी से बिजनेस भले न हो, यहाँ हत्या करना आसान है। हमारी सरकार एक कदम आगे बढ़कर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ लिविंग की बात कर रही है, लेकिन कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के रहते यहाँ ईज ऑफ डूइंग मर्डर की चर्चा होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आज खाप पंचायतों को फिर फटकारते हुए कहा कि दो बालिगों की शादी में दखल देने वाली खाप पंचायत कौन होती है। ऑनर किलिंग के खिलाफ गाइडलाइन को लेकर याचिका पर चीफ जस्टिस ने कहा, कोई खाप पंचायत या सोसाइटी बालिगों को किसी के साथ प्रेम विवाह करने से नहीं रोक सकती। देश में अवैध विवाह को रोकने के लिए कानून है, इन्हें कानून हाथ में लेकर समाज का रखवाला बनने की जरूरत नहीं है। शादी वैध है या अवैध, ये फैसला सिर्फ अदालत कर सकती। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो ऐसे जोड़ों को सुरक्षा दे जिन्हें ऑनर किलिंग का खतरा हो। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों के लिए वो हाई लेवल पुलिस कमेटी बनाने पर विचार कर रही है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई में कहा था कि खाप पर सरकार कदम नहीं उठाएगी तो फिर कोर्ट उठाएगा। दिल्ली में सीलिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने तेवर आज और सख्त कर लिए। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, MCD और DDA को जमकर फटकारा। जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने कहा, पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण हो रहे हैं, हर कोई आंखें मूंदे हुए है और तबाही का इंतजार कर रहा है। लगता नहीं कि उपहार अग्निकांड, बवाना और कमला मिल्स हादसे से कुछ सीखा है। सुप्रीम कोर्ट ने DDA को मास्टर प्लान 2021 पर 2 हफ्ते में हलफनामा देने को भी कहा। कोर्ट ने कहा कि आप सिर्फ कुछ लोगों को नहीं सुन सकते, आपको जनता का पक्ष भी सुनना होगा। सीलिंग पर व्यापारियों को राहत देने के लिए DDA ने हाल ही में 3 प्रस्ताव पास किए हैं।
शेयर बाजार में आज गिरावट देखी गई। सेंसेक्स 310 अंक और निफ्टी 94 अंक गिरकर बंद हुए। सेंसेक्स की इस गिरावट के बाद उसका इंडेक्स 3 हफ्तों में सबसे नीचे पहुंच गया। बैंकिंग, कैपिटल गुड्स और आईटी के शेयरों की कीमत सबसे ज्यादा गिरी है। 1 फरवरी को आए आम बजट में सरकार ने 10% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया है और इस वित्तीय वर्ष में राजकोषीय घाटे का लक्ष्य GDP के 3.2% से बढ़ाकर 3.5% कर दिया है। इसके अगले दिन से ही शेयर बाजार में गिरावट देखी जा रही है। हालांकि आज सरकार की ओर से कहा गया कि बजट की वजहों से नहीं बल्कि ग्लोबल उथल पुथल से भारत के शेयर बाजारों में गिरावट हो रही है। आज एशियाई और यूरोपीय बाजारों में जबरदस्त गिरावट देखी गई। मालदीव्स के राष्ट्रपति यामीन अब्दुल गयूम ने 12 विपक्षी नेताओं को छोड़ने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया है। यामीन के दफ्तर से कोर्ट को जारी चिट्ठी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने राज्य को मिली शक्तियों का अतिक्रमण किया है, ये राष्ट्रहित और जनहित का उल्लंघन है। उधर मालदीव्स के विपक्षी नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से यामीन सरकार पर दबाव बनाने की अपील की है। भारत, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र समेत कई देशों ने पहले ही मालदीव्स से राजनीतिक कैदियों को रिहा करने को कहा है। पिछले हफ्ते मालदीव्स के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 12 राजनीतिक नेताओं को दोषी ठहराने का आदेश राजनीति से प्रभावित था। इन नेताओं में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद भी शामिल है। मोहम्मद नशीद फिलहाल मालदीव से निर्वासित है। न्यूजीलैंड में अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतकर लौटी जूनियर टीम इंडिया का आज मुंबई एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। बीसीसीआई दफ्तर में फोटो सेशन के बाद पूरी टीम मीडिया के सामने आई। कोच राहुल द्रविड़ ने उम्मीद जताई कि इनमें से बहुत खिलाड़ी जल्द ही सीनियर टीम का हिस्सा होंगे। जो प्लानिंग थी वो कभी चेंज नहीं हुई। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने ज्यादा बड़ा टीम मीटिंग रखा पाकिस्तान के पहले और कम टीम मीटिंग रखा बांग्लादेश के पहले, ऐसी बात नहीं थी। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है। इससे पहले सेमीफाइनल में टीम ने पाकिस्तान को 203 रनों से हराया था। UPATS ने आतंकियों को हथियार सप्लाई करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। गाजीपुर के रहने वाले शेख अली अकबर की गिरफ्तारी लखनऊ से हुई है जिससे पूछताछ की जा रही है। 3 फरवरी को जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में पकड़े गए 4 आतंकियों ने शेख अली अकबर का नाम बताया था जिसके बाद से ही ATS इसकी तलाश कर रही थी। तो इसके फोन से काफी सारे आतंकी वीडियो मिले हैं। व्हाट्सएप ग्रुप जो देश विरोधी गतिविधियों के हैं, आतंकी हैं, कश्मीर में आतंक फैलाने से संबंधित हैं, उनका ये सक्रिय सदस्य पाया गया। अली अकबर बांदीपुरा में पकड़े गए 4 आतंकियों के संपर्क में था और उनको हथियारों की सप्लाई करने के लिए 25,000 रुपए एडवांस भी लिया था।